हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं ड्यूक 250 2024 मॉडल का। कलर कॉन्ट्रास्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है और ये जो इसका कलर रहने वाला है इलेक्ट्रिक ऑरेंज इसका कलर रहने वाला है। इस वीडियो में हम इसके फीचर्स, इसकी माइलेज, इसकी टॉप स्पीड्स, इसके अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट सेक्शन से। फ्रंट में हमें फुली एलईडी हेडलैम्प्स देखने को मिलती है, फुली एलईडी इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं वाली इसकी नंबर प्लेट की प्लेसमेंट, काफी अच्छे साइड व्यू मिरर देखने को मिलते हैं जिनकी विजिबिलिटी काफी अच्छी रहने वाली है। फाइबर का हमें इसमें मडगार्ड देखने को मिलते हैं। WPFX के हमें USD फोक्स सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। इसके रियर सस्पेंशन में हमें WPFX का मोनोसॉप अब्सॉर्बर देखने को मिलता है और ये बाइक डुअल चैनल ABS के साथ आती है। फ्रंट में हमें 320mm की डिस्प्ले देखने को मिलती है और इसके रियर में हमें 240mm की डिस्प्ले देखने को मिलती है और फ्रंट में हमें 110/70 ZR17 का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है। इसके रियर में हमें 150 सेक्शन का ब्रॉड टायर देखने को मिलता है और ये इसका राइट प्रोफाइल व्यू। काउल में हमें ड्यूक 250 की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। टैंक में हमें KTM की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और इसमें हमें 15 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है और हमें इसमें 3 लीटर की रिजर्व फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है। इसकी लेफ्ट प्रोफाइल भी सेम रहने वाली है। रहने वाला इसका रियर प्रोफाइल व्यू। LED टेल लाइट्स देखने को मिलती है, LED इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलते हैं, नंबर प्लेट के लिए जगह देखने को मिलती है और नंबर प्लेट की लाइट की प्लेसमेंट देखने को मिलती है और हमें इसमें अंडर वैली एग्जॉस्ट देखने को मिलता है और ये है इसके फुटरेस्ट, ये है इसका प्लेन फुटरेस्ट और ये इसका राइडर फुटरेस्ट और ये बाइक साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ आती है और हमें इसमें स्प्लिट सीट देखने को मिलती है। इसकी सीट काफी कंफर्टेबल रहने वाली है। हैंडल, इसका क्लच, ये इसका पासिंग और इसका हैजर्ड बटन, ये इसके मेन्यू के बटन, ये इसका लेफ्ट राइट टर्न इंडिकेटर सिग्नल, ये इसका हॉर्न और ये इसका इंजन किल स्विच बटन और ये इसका सेल्फ एक्सीलेटर फ्रंट ब्रेक और ऑन करते हैं इसके मीटर को और हमें इसमें फुली डिजिटल मीटर देखने को मिलता है। साइड स्टैंड की वार्निंग देखने को मिलती है, RPMs, इसकी फ्यूल गेज और ये इसका टेम्परेचर, ये इसकी स्पीड्स, ये इसकी ट्रिप, इसके किलोमीटर्स। आप इसके रियर ABS को ऑन और ऑफ भी कर सकते हो और ये इसकी ABS की वार्निंग लाइट, न्यूट्रल, इंजन चेक लाइट और ये रहने वाला इसका मेन्यू और ये इसका ABS और इसके ABS में हमें दो मोड्स देखने को मिलते हैं, रोड और सुपर मोटो, बाइक इन्फो, ट्रिप इन्फो, नेविगेशन और हमें इसमें नेविगेशन का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, ऑडियो प्लेयर और आप अपने फ़ोन के म्यूज़िक को भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो और हमें इसके मीटर में काफ़ी सारी डिटेल्स शो होती हैं। और बात करते हैं इसके मैंजान, इसके इंजन की, और हमें इसमें 249.7 cc का लिक्विड कूल्ड FI इंजन देखने को मिलता है जो कि काफ़ी पावरफुल रहने वाला है। ये बाइक 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है और हमें इसमें 9,250 rpm का पावर और 7,250 rpm का टॉर्क देखने को मिलता है। चेक करके देखते हैं इसकी स्टार्टिंग, ये बाइक काफ़ी इजीली स्टार्ट हो जाती है और ये रहने वाला इसका इंजन साउंड, वाला इसका एग्जॉस्ट साउंड। और बात करते हैं इसके माइलेज की, तो हमें इसमें 35 से लेकर 40 के बीच में माइलेज देखने को मिलता है। हमें इसमें 148 की MPH की टॉप स्पीड देखने को मिलती है। बात करते हैं इसके डायमेंशंस की, और हमें इसमें 162.8 का कर्व बेड देखने को मिलता है और हमें इसमें 800mm की सीट हाइट देखने को मिलती है और हमें इसमें 176mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। बात करते हैं इसकी एक्सोरूम प्राइस की, तो हमें इसमें 239,194 रुपये की एक्सोरूम प्राइस हमें इसमें देखने को मिलती है। अगर आप ये बाइक परचेस करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं जबलपुर, मध्य प्रदेश, मदन महल, KTM, तो आप यहाँ पर आकर KTM का कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं।